हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, की हाल है तुहाडे? अस करदे आ तुसीं सारे ठीक होगे। ते अज श्री हजूर साहिब विखे साडा दूजा दिन, अज 16 तरीक आ, ते नाल दे सिंघ चल गए ने बिदर नूं, ते बाबा जी दा इत्थे हजूर साहिब सचखंड जिहड़ा अपना मेन दरबार आ उत्थे कीर्तन दी आ, इहनां दी हाजरी आ, इस करके नहीं गए। ते नाल थोड़ा गड्डी दा काम सी करवाउणा, इस करके मिस हो गया उधर दा। ते कोशिश करांगे जे कल नूं साडा टाइम लगा ते कल नूं जावांगे। अज इधर दे सारे काम करके लोकल गुरद्वारा साहिब दे दर्शन करदे आ, ते इहनां वीरां ने दस्तारां सजाउणियां। इतों आप करना वा भी पहले गड्डी की सर्विस करवानी रह गई अपनी, तो सर्विस करा के फिर गुरुद्वारा साहब सारे दर्शन मिले कर देवे आप। सर्विस हो गई, वाशिंग करवा के इतों निकलना, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता। जो टाइम बचा फिर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करांगे, नहीं तो 8 बजे बाबा जी की उत्थे सचखंड विखे हाजरी है, नहीं फिर यो काम करांगे अज। वेने की बनता गड्डी का, तगड़े हो गए काम निबड़िया, अज सर्विस सुरस करा के धवाई नहीं फिर रहन दिती आ, ते गड्डी इधर ला के होना सारे काम रहन, ते हुण रेस्ट लगे करना। ते चाह आ गई है, चाह पी के इस तो बाद फिर शाम जाओगे गुरु घर दर्शन मिले कर। गड्डी खड़ी बाजार के रोक नहीं आन दिया, तो फिर उन्होंने गड्डी डाक के मोटरसाइकिल ले लिया मामा जी के बेटे को। मोटरसाइकिल यह भी बाजार के रश बहुत आ, कई गलियां भीड़िया, हूँ मजे ये 10-11 बजे तक मोटरसाइकिल घूम आना। तो मैं तो डॉक्टर साहब दोवें आए हाँ, तो दूजे सिंह जोड़े आ वो आते थके अच नानकी दे गए तो रह पे आ। चलो अज देखते हैं आप की कोई नवा देखते हैं कल कुछ की इतने। हल्दीराम वाले भी नाल ही आ, जिथे तेन राती कहन दे मैं रुकी आपां। कई बार की हों भी आप जो ट्रेन से आने या जहाज़ से आने गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके उत्थे, तो कई बार सोच लीजा भी शहर पता नहीं छोटा व्डा, अगर घूम के पता लगता भी शहर कि बहुत व्डा शहर है नंदेड़। कल अं गड्डी घूमे सारा, तो गड्डी से साड़ा काम रोक नहीं आया, कि चक्कर चप्पी भीड़ भूड़ बहुत ज्यादा है। अच्छ फिर इतों अं जहाँ वेख्या तो मोटरसाइकिल उपर घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल तो काफ़ी अं देखे सारा ही घूमना चाहिए वा, कोई देखना चाहिए वा, तो पूरा शहर वधिया वा। हूँ काफ़ी घूम के सू भुख लगी है, तो अंदर आ गए पीजा खा, पीजा खा के इतों की एक इतों की फेवरेट डिश आ वो बनाते, तो ना तो होता नहीं की लेंगे मराठी जी के, तो बाद उत्थे चला गए आप इधरों पीजा खा के, तो उधर चलते हैं तो नाल शेयर करते हैं भी की चीज़ है। असी हुण इत्थे खलोते हाँ महात्मा फूले राव चौंक दे विच, ते इत्थे बनी आ महात्मा ज्योति राव जिहड़े फूले आ उन्हां दा चौंक दे विच इत्थे स्टैचू बनिया उपर, ते इहनां दी इह देण इत्थे आ भी पहलों जिदा लेडीज़ नूं पढ़ाया नहीं जांदा, ते इत्थे की कीता सी भी इहनां ने पूने दे विच बेड़ी वाव कोई एरिया पैंदा वा उत्थे पहला स्कूल बनाया सी औरतां दा, ते औरतां नूं जिहड़ी पढ़ाई दा दित्ती आ प्रवानगी वो इन्होंने दवाई ही, जेडे आ स्टैचू लगा ना महात्मा ज्योति राव फूले फूले इन्हों की बदौलती होया है सारा, तो इन्हों स्टैचू बनाया बहुत सोहना, तो आओ तुहानू थोड़ा दिखाने किदां बनिया।
ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਰਾਵ ਫੂਲੋ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਆ, ਇਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਨਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਬੇਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਟ ਚੂਟ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਲੈਡਰਮ ਪੈਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਦੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਟੇਸਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ। ਲਾ ਲਓ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਭ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਟ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਮਾਪਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।